तो हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज फंक्शनल टेक्नोहोलिक बाइकर। और अभी आज का जो दिन है, आज है 24 नवंबर, और टाइम अभी हो रहा है आई थिंक ऑलमोस्ट चार बज गए हैं शाम के। और आज का सीन क्या है, आज का सीन ये है, आज हम जा रहे हैं बेसिकली जेल रोड। आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सारा आपने पढ़ ही लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं बेसिकली जेल रोड जा रहे हैं बिकॉज फर्नीचर मार्केट है वहाँ पे। और मैं बेसिकली बताऊँ, मेरे को कोई इतना ज्यादा एज सच फर्नीचर परचेज नहीं करना, लेकिन आप लोगों के लिए आपको बताता हूँ मेरे को क्या लेना है। मेरे को अपने घर के लेनी है कुर्सियाँ, चेयर्स। तो चेयर सेट मेरे को लेना है जो बेसिकली 4 का या 6 का आएगा, तो वो भी अभी मैं ज़्यादा जो एक्सपेंसिव मतलब लाइन बजट में होता है वो बजट में अभी नहीं देख रहा हूँ, अभी कम बजट में देख रहा हूँ बिकॉज थोड़ा अभी टाइम इतना वो नहीं है। बाकी जाके देखते हैं क्या पसंद आता है क्या नहीं आता। और बेसिकली मेन बात ये है कि यार आप लोग ना वीडियो को लाइक ज़रूर मार देना, वीडियो को शेयर जरूर मार देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है। स्पेशली जहाँ हम जा रहे हैं, मैं रहता हूँ शालीमार बाग में, आप लोगों को पता होगा जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं, मैं रहता हूँ शालीमार बाग दिल्ली। तो यहाँ से जेल रोड लिटरली ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटे का 50-40 मिनट का रास्ता है। और यार मैं चाहता तो मेरे को सिर्फ चेयर्स लेनी थी अपने लिए, तो मैं चाहता अपने घर के पास से भी ले लेता, बहुत शॉप्स हैं, लेकिन एक व्लॉग के लिए, वीडियो के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे सारा कुछ देख लो, उसके लिए स्पेशली यहाँ से हम जा रहे हैं जेल रोड बिकॉज मेरे दोस्त ने बताया, गितेश, इसको आप जानती होगे, काफी व्लॉग्स में आते रहते हैं यो, तो इसको आप जानती होगे, तो इसने स्पेशली बताया कि इसके दोस्त भी वहाँ से लेते हैं। मैंने पूरा मतलब पता लगाया कि वहाँ पे पूरी मार्केट है फर्नीचर की, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं ताकि आप लोगों को हम दिखा पाएं कि क्या क्या फर्नीचर की वहाँ पे वैरायटी होती है, टेबल वेबल ये वो। तो चलते हैं मेरे इसी देरी के, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, तो पहले कुछ खाने जाएंगे, बहुत ज़्यादा मैं भूखा हूँ, सुबह से कुछ खा भी नहीं पाया, अभी 4 बज गए हैं, थोड़ा काम में लगा हुआ था, तो अभी कुछ खाने पहले जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम जेल रोड कुछ खरीदने अपनी चेयर वगैरह। तो चलते हैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और स्टार्ट करते हैं वीडियो इंट्रो के बाद। तो गाइस अभी आ गए हैं जेल रोड और अभी खा रहे हैं भल्ला पापड़ी बिकॉज इसके अलावा कुछ हमें खास मिला नहीं, और भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही थी। और यहाँ पे हम मंजीत चिकन वगैरह बहुत फेमस है सारे, अभी गाड़ी में खा रहे हैं बिकॉज बाहर बहुत ज्यादा चलान कट रहे हैं, हमने भी देखा था बिकॉज चलान बढ़ गया 2000 रुपये में, अगर आप लोगों को नहीं पता तो चलान मास्क का हो गया, मास्क नंबर तो 2000 रुपये हो गया। तो बाहर बहुत ज्यादा पुलिस अभी खड़ी हुई थी, दुकानों में घुस घुस चलान काट रहे हैं, मतलब जिन दुकानों के अंदर अगर कस्टमर ने मास्क नहीं पहन रखा तो अंदर जाके उसका लिटरली चलान काट रहे हैं 2000 रुपये का। तो इसलिए अभी तो हम खाने लेके आ गए थे गाड़ी के अंदर आराम से खाने के लिए, बाकी इसके बाद चलते हैं फर्नीचर दिखाने आप लोगों को और उसके बाद करेंगे वीडियो को एंड। तो गाइस अब पेट पूजा हमारी हो गई है और यहाँ पे सारा खाने की आइटम अगर आपको दिख रही हो, और पीछे सारी और भी हैं, बाकी इस साइड में अगर आप आओगे, हमने गाड़ी पीछे पार्क करी है, तो इस साइड में यहाँ पे है पूरी फर्नीचर मार्केट, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सारे फर्नीचर शुरू हो गए हैं कुछ चार फर्नीचर के नाम से, और यहाँ पूरे आगे तक जा रहे हैं, यहाँ पे खाने की भी है लेकिन खाने की कम है, यहाँ पे बेसिकली सारी आगे तक जाके फर्नीचर की मेन दुकानें हैं। तो देखते हैं हम कौन सी में जाते हैं, किससे हम लेते हैं और किससे आपको हम वैरायटी दिखाते हैं क्या क्या अवेलेबल है, वो जाके देखते हैं, बाकी चलते हैं आगे। तो वैसे पहली शॉप पे जाए, ये पर वैरायटी पड़ी हुई है सारी, देख सकते हो। तो ये वाली ये बता रहे हैं कुछ 800 रुपये की, कुछ 600 रुपये की आई थिंक सिंगल पीस, थोड़ा मेरे को रेट बहुत थोड़ा क्या ज़्यादा महंगा लग रहा है, ये 600 की बता रहे हैं। ये वाली बता रहे हैं आई थिंक 800 या 700 रुपये की एक, जबकि मैंने देखी थी ऑनलाइन ये वाली सेम मिल रही थी, आई थिंक 4 का पेयर मिल रहा था 1400-1500 में, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया फ़र्क। बाकी पीछे वाली वैरायटी भी पूरी है, ये वाली सस्ती है, 200-300 रुपये की है, पर ये तो बिल्कुल बेकार लगती है। देन यहाँ पे मेटल वाली है थोड़ी और महंगी, 800-900 की रेंज है। और शॉप ये किसी को आना हो तो आ सकते हो, ये स्टील फर्नीचर, पर यहाँ पे रेट समझ नहीं आ रहा है, चलते हैं अगली शॉप में और देखते हैं वहाँ पे। वैसे नेक्स्ट शॉप पे आए, यहाँ मेरे को वैरायटी बहुत अच्छी लग रही है, कोहली स्टील फर्नीचर, यहाँ बहुत सारी चेयरें पड़ी हुई है, यहाँ पे भी है, पीछे भी, आगे भी है, यहाँ पे देखते हैं क्या रेट है क्या मिलता है। भाई ये आए हम कोहली फर्नीचर में, तो यहाँ पे भाई हमें बताएंगे ये सारी वैरायटी पड़ी हुई है, बताना यार सिंगल का 550 की है, एक बार इसका बताओ 650, ये 650, ये वाली अच्छी लग रही है बहुत, मतलब खुली है बैठने के लिए अच्छी, और क्वालिटी वालिटी कुछ होता है, गारंटी वारंटी कुछ होती है 6 महीने की टूटने वगैरह की, क्या क्या और इंक्लूड होगा उसमें, कोई भी टूट जाए बैठने में टूट जाए तो उसकी गारंटी है। तो कार्ड वगैरह मिलता है क्या, मिलता है मतलब कार्ड मिलता है, तो सब पे 6 महीने की वारंटी है कोहली फर्नीचर, यहाँ पे ये अच्छी लग रही है। और ये कितने की, 750, ये 850, ये 950 की, ये कंपनी मैंने सुनी है शायद इसकी अच्छी होती है ना, और एक ये वाली ये अच्छी लग रही है, कितनी की है, 1100 रुपये की, और ये वाली 950, और ये वाली, और वो वाली 1200, किसी को और कम में चाहिए हो तो ये वाली आती है
अच्छा ये 300 वाले हैं, ये बेसिकली स्कूल वगैरह यूज होती है, वहाँ यूज होती है, सारी वॉली चेयर होती है ज्यादातर, बाकी इनको कहीं भी यूज कर सकते हो। 300 की पड़ जाएंगी और ज्यादा पीस जितने लेंगे उतनी प्राइस कम होते रहेंगे, अगर कोई 50 पीस ले 100 पीस ले तो उसके अलग प्राइस होते हैं। तो जैसे हमने 4 वॉली लेनी है तो थोड़ा बहुत जो अगर हो जाएगा वो इनसे बात कर लेंगे। और ये वैरायटी बहुत अच्छी लग रही है, कितने की पड़ेगी यार ये, कितने की? ये 1800 की एक है और ये वाली 1900, ये 1900 की है। तो ये वाली थोड़ी एक्सपेंसिव रेंज में है, थोड़ी क्वालिटी इनकी और मतलब बढ़िया है, बैठने बैठने में कंफर्ट है। और अगर इनसे ऊपर जाते हैं तो सारी रेंज क्या जाती है वो 3500 जाती है, और उनमें कंफर्ट मतलब गद्दे वगैरह वाली होती है वो ऊपर बड़ी हुई है। अच्छा कांच की होती है वो ऊपर बड़ी हुई है वैसे। अच्छा स्टूल के बताना एक बार, स्टूल के 450 का। और ये वाले कितने के हैं? 450। अच्छा ये 250 का, तो ये 250 का कुछ पड़ जाएंगे, कुछ 400 तक के पड़ जाएंगे। सारी वैरायटी मिल जाएगी, अभी तक मैंने जितनी देखी सबसे ज्यादा वैरायटी वहीं पे देखी है। बाकी रेट जो थोड़ा बहुत आओगे तो आगे भी थोड़ा नेगोशिएट हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 400 का अभी आए हैं इस नई शॉप पे, क्या नाम क्या शॉप का यार? AK फर्नीचर। तो AK फर्नीचर पे आए हैं, पहले हम गए थे कोहली वाले पे तो उसकी भी वैरायटी बहुत बढ़िया थी, लेकिन अभी यहाँ पे आए हैं रेट देखने और मोस्टर भी इसे डन कर रहे हैं अभी। और ये इनके सारी वैरायटी बढ़िया है, ऑलमोस्ट वैरायटी सेम ही है। तो वैरायटी सबके पास ऑलमोस्ट सेम ही होती है ना, सबके पास ऑलमोस्ट। तो अभी यहाँ पे आए हैं तो एक बार आपको इनका रेट पूछवा दो, तो इनसे किसी को आना हो तो यहाँ पे आ जाना, वहाँ पे आना तो वहाँ चल जाना, जिसका कोई वैरायटी और रेट पसंद आए वहाँ पे चल जाना। यहाँ मेनली मैं देख रहा हूँ चेयर ज़्यादा है, वहाँ पे सब कुछ मतलब मिक्स था, यहाँ चेयर वगैरह ज़्यादा हैं और टेबल वगैरह बहुत है। तो इनका रेट बता दो एक बार स्टार्टिंग से। 550 ये सेम 550, ये 700, ये 700। तो ये वाली मेरे को एक बहुत अच्छी लगी, बाकी मैंने तो ये डन कर ली ऑलरेडी। और एक ये 800, ये 550 भाई 550। तो ऐसे और एक बार ये कितनी वैरायटी में आती है ये वाली? 2500 मतलब कितनी स्टार्टिंग कितने से होगी इसकी? 1500 से। तो ये वाली बेसिकली कंप्यूटर चेयर होती है, अगर आप कंप्यूटर वगैरह ऑफिस वगैरह चेयर होती है ऑफिस में लगानी तो ये लगाते हैं लोग। बाकी आते हैं टेबलों पे, तो यहाँ टेबल भी पड़े हुए हैं। टेबल की अरेंज पड़ेगी यार ये सारे जो टेबल्स हैं? 7500 मतलब स्टार्टिंग कितने से होगी इसकी टेबलों की? 3500 नहीं 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 ये वाले ये स्टडी टेबल हाँ 400 से। अच्छा और आपके वो भी होते हैं डाइनिंग टेबल भी होते हैं वो ये वाले हैं, इनकी स्टार्टिंग कितने से होगी? 7500। तो ये डिस्प्ले में बड़े हैं उस पीछे? अच्छा तो ये आपको मिल जाएगी 4500 तो ये 7500। अच्छा 4500 ये वाले हैं, तो ये आपको स्टार्टिंग मिलेगी डाइनिंग टेबल की 4500 से। और ये वाली भी वैरायटी है 7500-8000, बहुत आगे वैरायटी जाती है। तो किसी को कुछ लेना है तो ज़रूर से आ जाना, बाकी मोस्टली मैं इसे डन कर रहा हूँ। और एक बार वारंटी का पूछवा तो इनसे एक बार ये बता दो लोगों की वारंटी वगैरह क्या रहती है इनकी, ये बता दो। गारंटी साल की होगी और कार्ड पे लिख के देंगे अपने, जिनका कार्ड है बेसिकली यहाँ पे। और एक बार दिखा देता हूँ आपको, किसी को आना हो तो AK फर्नीचर है यहाँ पे, नंबर भी इनका दे रखा है और पूरा एड्रेस दे रखा है। जेल रोड की मेन रोड ही है जहाँ पे सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, तो किसी को आना हो। बाकी यहाँ पे आपको लिख के देंगे कि जो चेयर है उसकी वारंटी कितने टाइम की है, 1 साल की वारंटी होगी हर चेयर पे। और आपको कोई भी टूट जाए कुछ भी हो जाए तो आपको उसके ऊपर भी वारंटी मिलेगी। तो गाइस यहाँ से हमने ले ली है दोनों की दोनों 4-4 पेयर। ये वाली मैंने ली है जो LV पैटर्न है, बिकॉज जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता है कि मेरे को इन ब्रांड्स का बहुत शौक है, LV, गुच्ची, ज़ारा, वर्सेचो, जो मेरा काम है वो भी इनके मतलब अकॉर्डिंगली है, फर्स्ट कॉपी हाई कॉपी वगैरह का। बाकी भाई ने ली है ये वाली, इसकी लुक भी दिखा देता हूँ। 4 इसने ली है और रेट हमें जेन्युइनली बताऊँ बहुत अच्छा मिल गया है, जेन्युइनली रेट बहुत अच्छा मिल गया है, डिस्काउंट बहुत अच्छा कर दिया। किसी को भी आना हो जरूर से आ जाना AK फर्नीचर मेन रोड जेल रोड। आपको मैंने कार दिखा दी, एक बार वारंटी कार्ड दिखाइयो। तो ये शॉप है AK फर्नीचर, आपको दिखा दिया, किसी को भी आना हो जरूर से लेने आ जाना। और 4 चेयर ये मेरी वाली है आई थिंक, जिसका यहाँ पे डेट लिखी हुई है 24/10/20 और यहाँ पे 1 साल की वारंटी लिखी हुई है 24/10/21, मतलब 1 साल की पूरी वारंटी हो गई। और ये भाई का कार्ड है तो ये हमने ले लिया, चलते हैं फटाफट से गाड़ी में। शायद मैं एक दो जगह और देखने जाऊँ, मेरे को बीन बैग वगैरह देखना है तो शायद मैं वो देखने जाऊँ, वरना चलते हैं घर। 1 hour later तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11:30 और अभी मैं कब का आ चुका हूँ घर, लाइक मैं 1 घंटे पहले तक घर आ गया था। और मैं ब्लॉग उसके कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गया था, सुबह से सिर्फ एक भल्ला पापड़ी में जी रहा था, जो आपको मैं शायद दिखाई थी वीडियो में, सिर्फ उस पर जी रहा था क्योंकि सुबह से डाइट बस वाली ली थी। तो बेसिकली चेयर्स भी ले ली, बहुत बढ़िया मिल गई, टेबल एक लेना था वो रह गया बिकॉज मेरे को कलर नहीं मिला जो मेरे को चाहिए था, पर आपको मैंने सारा प्राइस दिखा दिया। वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 4-5 शॉप विजिट करी, पर जहाँ से मैंने अभी लिया ये आई थिंक AR फर्नीचर नाम था जो आपको ने वीडियो में दिखाई थी, सबसे बेस्ट और सबसे मतलब मेरे को चीपेस्ट और वर्थ उसका ही प्राइस लगा। बाकी ये मैंने अपने रूम में भी करी है, नई मॉडिफिकेशन, यहाँ पोस्टर लगाया है, एक पीछे पोस्टर लगाया है, एक वहाँ पर भी पोस्टर लगाया है,
तो बताना जरूर से कैसा लग रहा है सब, कमेंट्स में जरूर से बताना। उसके बाद हम गए थे कुछ खाने बर्गर क्लब, मेरे को वहाँ के बर्गर बहुत पसंद आते हैं, राजधन बर्गर किंग या मैकडी। मैकडी तो मेरे को सही बताऊँ बिल्कुल बेकार लगता है एकदम, बाकी क्लब लगता है मेरे को जेन्युइन। तो वहाँ मैं गया था जो मैंने आपको लास्ट शॉट दिखाया था, उसके बाद थोड़ा बहुत हम और खाने पीने गए थे, और उसके बाद एक दो छोटा मोटा सामान लेके मैं और घर आ गया था जो मैंने आपको नहीं दिखाया, बिकॉज ताकि व्लॉग है लंबा ना हो और ऑफ टॉपिक ना हो, बिकॉज वो जो सामान था वो घर के लिए मेरे को लेना था। तो ये जो पूरा व्लॉग थे फर्नीचर मार्केट के ऊपर था, तो उसको मैंने पूरा फर्नीचर के ऊपर ही रखा है, इसको मैंने जो इसका मुद्दा था वो चेंज नहीं करा व्लॉग का। बाकी यही करते वीडियो को एंड, और लव दिस वीडियो, बहुत टाइम बाद आई नो व्लॉग डाल रहा हूँ, आई थिंक एक हफ्ता हो गया व्लॉग डाले हुए। बाकी आई होप आप लोग आज की मेहनत पसंद होगी, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियोस देखनी हो, और इंस्टाग्राम पे तो जरूर से फॉलो कर लेना, बिकॉज मैं रोज रोज नए नए अपडेट्स डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। नीचे आईडी लिखी आ रही है टेक्नोहोलिक बाइकर, और एज ऑलवेज से इन द एंड टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।